आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज सुबह ही गांव से रहीम चाचा का फोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मरने से पहले वो एक बार मुझे देखना चाहते हैं। रहीम चाचा हमारे गांव की हवेली की देखभाल करते हैं। जब हम लोग गांव में पहले रहते थे तो रहीम चाचा हमें काफ़ी मानते थे। स्कूल से ले जाना ले आना सब कुछ रहीम चाचा ही करते थे। यहाँ तक कि खाना भी रहीम चाचा अपने हाथों से खिलाते थे। उन्होंने ना तो कभी हमसे परायों जैसा व्यवहार किया और ना ही हमने उनसे। अब उनकी उम्र हो गई है, आखिरी समय में एक बार उनसे मिलना तो मेरा बनता था। फिर क्या था, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और सीधे गांव जाने की तैयारी में लग गया। शहर से मैं जब बस में सवार हुआ तो वक्त हो रहा था सुबह के 10 बजे का। क्योंकि मेरा गांव यहां से काफ़ी दूर था तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में अभी समय लगने वाला था, बेशक रात हो जाएगी। मैं ये बात जानता था, मैंने रहीम चाचा को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। खैर, बस मंजिल की ओर आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे वक्त बीता और दिन दोपहर में तब्दील हो गया, फिर दोपहर शाम में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं इतने सालों बाद रहीम चाचा से मिलूँगा तो मेरे पहले शब्द क्या होंगे, रहीम चाचा मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि मैंने उनसे मिलने में देर कर दी। मुझे उनसे 2-4 बार पहले भी मिल लेना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब तक रात हो चुकी थी, करीब 8:30-9 बज रहे होंगे। मैं अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, बस एक और गांव की दूरी तय करनी थी, फिर मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। मगर तभी वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अचानक से चलते चलते बस एकदम से रुक गई, इंजन बंद हो गया। बस को इस तरह से रुकता देख मैं काफ़ी हैरान था। बस के इस तरह अचानक रुक जाने से सभी मुसाफिर उथल पुथल से हो गए और सभी कंडक्टर पर चिल्लाने लगे। तभी कंडक्टर बोला, अरे भैया रुको, पहले देखने तो दो हुआ क्या है। जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस से नीचे उतर गए। एक तो इतनी रात हो गई है, ऊपर से अब बस खराब हो गई, पता नहीं अब मैं अपने गांव कैसे पहुंचूंगा और कब पहुंचूंगा। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर आया और बोला, देखिए अब चिल्लाने से तो कोई फायदा नहीं है, बस को ठीक होने में समय लगेगा। इस पर मैंने कहा, कितना टाइम लगेगा कंडक्टर साहब। तो इस पर कंडक्टर बोला, पता नहीं मगर 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा। कंडक्टर की बात सुन मेरा तो माथा ही घूम गया। अगर और 1 घंटा यहीं रुका तब तो बहुत रात हो जाएगी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो बैठ नहीं सकता था, कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। मगर तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से उतर कर पैदल ही अपने गांव चल दिया जाए, गाँव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लिहाजा मैंने अपना बैग उठाया और बस से उतरकर पैदल ही अपने गांव की ओर चल दिया। ना जाने उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने ऐसा कदम उठाया जिसका पछतावा मुझे आज तक होता है। खैर, बस से उतरकर मैंने जब आसपास देखा तो हमारी बस के अलावा और कोई गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। खैर, मैंने अपने जेब से बैटरी टॉर्च निकाला और चलने लगा। उस वक्त एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा भी कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मगर मैं उस वक्त जोश में था और अक्सर इंसान जोश में होश खो बैठता है। चलते चलते अब मैं बस से दूर निकल आया था, मुझे अब बस नज़र भी नहीं आ रही थी। हालांकि मैं रास्ता तो जानता था, मगर क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद आया था तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो रही थी, जबकि इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला था।
खैर मैं चलता रहा। मुझे चलते हुए अब करीब 15 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो कोई इंसान नजर आया था और ना ही कोई दुकान वगैरह। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। कहीं ना कहीं मुझे अब डर भी लग रहा था। ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेला इंसान डरेगा ही। चलते चलते अब मैं काफ़ी दूर निकल आया था। तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक टिमटिमाती रोशनी नजर आई। उस रोशनी को देख मेरे मन में एक उम्मीद सी जग उठी। मैं जल्दी जल्दी चलकर उस रोशनी के करीब जाने लगा। जब मैं चलकर उस रोशनी के थोड़ा करीब पहुंचा, तो पाया कि वो एक चाय की दुकान है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसे सुनसान जंगली रास्ते पर इतनी रात के ये चाय की दुकान खुली हुई क्यों है। मगर मुझे तो बस इस चाय वाले से रास्ता पूछना है, यही सोचकर मैं उस दुकान पर गया। चाय वाला गांव का ही आदमी लग रहा था। उम्र यहीं कोई 40-42 साल के आसपास की रही होगी। तभी मैंने उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब ये जामगढ़ का रास्ता यही है ना? इस पर चाय वाला बोला, रास्ता तो यही है, मगर आपको जाना कहाँ है? तो इस पर मैंने कहा, जी जामगढ़ ही जाना है। मेरी बात सुन वो चाय वाला धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्या भाई साहब इतनी रात का मजाक सूझ रही है आपको? जामगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, आप जामगढ़ जाओगे वो भी पैदल? उस चाय वाले की बात सुन मेरा तो सर ही घूम गया। मुझे तो लगा था जामगढ़ सामने होगा, मगर 8 किलोमीटर अब मैं कैसे चलूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब कोई रास्ता नहीं अभी जामगढ़ पहुँचने का? इस पर चाय वाला बोला, भाई साहब ये गांव है, कल सुबह से पहले कोई बस नहीं मिलेगी। इस पर मैंने कहा, तो कोई होटल वगैरह जहां मैं रात गुजार सकूं? इस पर चाय वाले ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिलाया। जाहिर सी बात है, गांव देहात में होटल कहां ही मिलेगा। तभी उस चाय वाले ने मेरा परेशान चेहरा देख मुझसे कहा, देखिए यहां कोई होटल वोटल तो नहीं मिलेगा, अगर आप चाहें तो आज की रात यहाँ मेरी दुकान में रुक सकते हैं, मगर एक शर्त पर, आप चुपचाप कंबल ओढ़कर बस उस बेंच पर पड़े रहेंगे, कोई भी कभी भी आए आप कुछ बोलेंगे नहीं और ना ही उठेंगे, ठीक है? हालांकि बात थोड़ी अजीब जरूर थी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था, जिस वजह से मैं खुद को राजी करा लिया और उस चाय वाले के शर्त के मुताबिक एक बेंच पर लेट गया और कंबल से खुद को ढक लिया। चूंकि मौसम ठंड का था और सफर के थकान के चलते मुझे नींद आ गई। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में कुछ आवाज आ रही थी, जैसे 2-4 लोग आपस में बातें कर रहे हों। मैं कंबल हटाकर अभी देखने जा ही रहा था कि तभी मुझे उस चाय वाले की बात याद आ गई। लेकिन मेरे अंदर देखने की जिज्ञासा भी हो रही थी कि आखिर वहाँ है कौन, लिहाजा मैंने धीरे से अपने एक आंख के पास से कंबल सरकाया तो बाहर का नज़ारा देख मैं दंग रह गया। मेरी सांसें एकदम से फूलने लगीं। दरअसल बाहर 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, मगर उन दोनों का चेहरा पूरा जला हुआ था, उनकी आंखें लाल चमक रही थी। और अजीब बात तो ये थी कि वो चाय वाला उन लोगों को देख रहा था, उनसे बातें कर रहा था, मगर वो डर नहीं रहा था, उल्टा वो उन लोगों से हंस खेल कर बातें कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ चल क्या रहा है। मैं चुपचाप कंबल ओढ़ कर लेटा रहा तब तक जब तक कि वो लोग चले नहीं गए। उन लोगों के जाते ही मैं फटाक से उठा और उस चाय वाले से पूछा, ये क्या था, कौन थे वो लोग, तुम बातें कर रहे थे उनसे? इस पर चाय वाला बोला, साहब आपको बोला था ना नहीं उठने को, दरअसल आज से 2 साल पहले इस चाय दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, वो लोग उसी ब्लास्ट में जलकर मरे थे। इस पर मेरे मन में भी वही सवाल आया,
जो अभी आप लोगों के मन में आ रहा है। तभी मैंने उस चाय वाले से पूछा, तो फिर तुम कैसे बच गए? मेरी बात सुन वो चाय वाला जोर जोर से हंसने लगा, जिसके साथ ही उसका भी पूरा चेहरा जला हुआ नजर आने लगा। मैं पूरा मामला समझ के आ गया, मगर मुझे ये नहीं सूझ रहा था कि अब करना क्या चाहिए। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं रास्ते के किनारे पड़ा था और वहां कोई चाय की दुकान नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफ़ी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पूजा पाठ ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को भी नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद से इन सारी बातों को मानना तो दूर, इन सारी बातों को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगहों पर भी जाना छोड़ दिया जहां भूत प्रेत की बातें होती हैं। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं अपने जीते जी नहीं मिटा सकता। खैर, ट्रेन काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहाँ पहुँच जाएंगे? अनिल यानी मेरे भाई के मुँह से ये सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण हम लोग सभी परिवार शहर में चले गए। तब से गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं और साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई, जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला, मगर हाँ रात के वक्त लोगों का चहल पहल थोड़ा बढ़ गया है। स्टेशन से हमारे गांव का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां जाने में किसी सवारी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस कारण हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 9:15 बजे सारा गांव एकदम से वीरान हो जाता था, लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों भाई पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई ऑटो वाला है। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे मिराजपुर गांव के चौक पर जाना है। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों भाई चढ़कर उस ऑटो में बैठ गए और हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलता था, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगा। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब यहाँ ऑटो कब से चलने लगा? जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, 2-3 सालों से चल रहा है। आप लोग काफ़ी सालों के बाद आए हैं लगता है, किसके घर जाना है आपको? जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा,
भाई साहब आपका घर तो काफी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहां रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं तो इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम ऑटो से उतरे और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी सालों से घर में कोई ना रहने से घर की बाहरी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। घर के बाहर का दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, हम चलकर घर के दरवाजे के पास पहुंचे और अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगे। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, अनिल तू रुक, मैं देखकर आता हूँ कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि आगे का नजारा भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, किसी तरह चलकर मैं घर के पीछे पहुंचा और इधर उधर उस आवाज को तलाशने लगा। मगर कुछ देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहां कोई नहीं दिखा, तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगा कि तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी, तो नीचे का नजारा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नीचे काफी सारी हड्डियां गिरी हुई थी। मगर इतनी सारी हड्डियां यहां आई तो आई कैसे? साथ ही साथ वो सारी हड्डियां किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं वहां खड़े ना रहकर वापस चलते हुए अपने भाई के पास आया। साथ ही मैंने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए, तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफी हो जाने के कारण हम दोनों भाइयों ने तय किया कि आज रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफी लंबा सफर तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगीं, और देखते ही देखते नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ है तो है किस चीज़ की। वो आवाज़ एक दूसरे कमरे में से आ रही थी, तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पर गया। तो दरवाजे पर जाकर कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताजी थीं, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुकें तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया
और उसे लेकर सीधे घर से काफी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।